मेरे एक विरोधी वक्ता मंच पर आए, गुलदस्ते से आए और हम सभी को जनवरी के महीने में अप्रैल फूल बनाकर चले गए। एक बार की बात है, एक बड़े सेठ की लड़की अपने मित्र को छोड़ने बस अड्डे पर आई हुई थी। घर लौटते समय रास्ते में 16-17 साल का एक लड़का आकर उससे भीख मांगने लगा। लड़के के तन के फटे वस्त्र देखकर लड़की का मन करुणा से भर उठा। उस लड़के को कुछ पैसे दान देने हेतु उस लड़की ने अपनी नजर अपनी पर्स की ओर झुकाई और जैसे ही और उसी क्षण उस लड़के ने लड़की के गले में आभूषित सोने की चेन छीनी और वहां से भागने लगा। लड़की घबरा गई, चिल्लाई और उस लड़के का पीछा करने लगी। भागते भागते थोड़ी दूर जाकर वो लड़का एक अजनबी शख्स से जा मिला और चुराई हुई सोने की चेन उसके हाथ में दे दी। सोने की चेन के बदले में उस इंसान ने लड़के के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा दिया। मोटरसाइकिल पर बैठ के वहां से चला गया। वो लड़का कोने में बैठ कर वो रोटी खाता है। थोड़ी दूर से यह वाक्य देखते हुए उस लड़की के मन में आता है कि मेरी सोने की चेन चुरा कर भागने वाला लड़का क्या एक गुनहगार है या गरीब लाचार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समादरणीय निर्णायक गण तथा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उपस्थित इस देश के चिर चैतन्य युवा चेतनाओं, जिस समय यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है उस समय इस विषय का सार्थक स्वरूप मेरी आंखों के सामने नजर आने लगता है। जहाँ पर एक चपरासी की नौकरी के लिए लाखों युवक इस देश में अपने आवेदन भेजते हैं, उस समय इस नौकरी को पाने के लिए भ्रष्टाचार होता है और 20-20 लाख रुपए देकर चपरासी की नौकरी पाने वाला इंसान जब रिश्वत लिए बिना काम नहीं करता तो उस भ्रष्टाचार के लिए गुनहगार वो इंसान नहीं, देश के सरकार की विफलताएं है कि देश में इतने सालों बाद भी हमें ढंग का रोजगार ना दे पाए। इस देश में आज इस समाज में होड़ लगी है। हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा परीक्षा में अव्वल आए, सबसे ज्यादा अंक मेरे बच्चे के आए और जिस लड़के के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते उसे समाज अच्छे से जीने नहीं देता, उसे सम्मान नहीं देता और इसी दबाव में आकर इस देश के बच्चे नकल करने की अच्छी अच्छी तरकीब निकाल लेते हैं। उस समय इस नकल के लिए जिम्मेदार वह बच्चा नहीं और उस नकल की बहती गंगा के लिए जिम्मेदार वह बच्चा नहीं, इस गंगा की गंगोत्री समाज की वह सोच है कि सिर्फ अच्छे परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले बच्चे ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे विरोधी वक्ताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि वाला के मन में जब ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है और उसके मन से अपराध का अंधकार निकाला जाता है तो वो वाला से वाल्मीकि बन जाता है। इसी तरह अंगुली माल को भी जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान के कुछ शब्द सुनाए उस समय वो खूनी लुटेरा एक साधु बन गया। तो क्या इस देश के लोगों में हम ज्ञान की ज्योति जलाकर उनके मन से अपराध का अंधकार नहीं मिटा सकते? मगर जिस वक्त यह करना संभव है वो वक्त यदि कारावास में बीत गया तो ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए किसी दीपक में तेल खत्म हो चुका होगा और उस वक्त ज्योति जलाने का प्रयास करेंगे तो बिना तेल के इस दीपक में कपास जलकर खाक होने के अलावा और कोई प्रतिमा हमारे सामने नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ काफी लोगों की नजर मेरी बंद मुट्ठी पर और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। ऐसी जिज्ञासा लोगों को होती है और जब किसी लोगों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता और संस्कार नहीं दिए जाते तो ऐसे लोग जाकर बलात्कार करते हैं। इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं, इस देश में अशिक्षितता है। धन्यवाद।